अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाही चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की मईशत में उनका किरदार कितना अहम है, और इसी किरदार को समझते हुए पाकिस्तानी हुकूमत मुख्तलिफ इकदामात कर रही है और हम उनको शामिल कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और ये भी उन्हें बताया जा रहा है कि ऐसा एफसी के ज़रिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो बहुत सिक्योर भी होगी। हम सब ये जानते हैं कि जब आप पैसा लगाते हैं, सरमायाकारी करते हैं, तो फिर ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी हिफाजत भी होनी चाहिए, उसके सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए। तो ये तमाम तर इकदाम इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो कर है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके तहत भी बहुत सारी आसानियां उनको फराहम करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर वो इकदामात किए जा रहे हैं कि जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकें और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट ला सकें, यहाँ पर पैसा भेज सकें, ताकि पाकिस्तान की मईशत में जो अहम किरदार उनका है, एक तो उनको उसको एक्नॉलेज भी किया जाए और दूसरा उस किरदार को मज़ीद हम आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। अब कुछ बजट के हवाले से भी बात करेंगे कि बजट में हमें क्या रिफ्लेक्शन नज़र आता है टुवर्ड्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब हम बात करते हैं क्या पॉलिसीज़ नज़र आती हैं कि जिसमें उनको मज़ीद सहूलत फराहम की जाए, और ओवरऑल मईशत की बहाली के लिए जब मुस्बत इशारे हमें नज़र आ रहे हैं, तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त एक हम सही डायरेक्शन में हैं और इसमें इस वक्त हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, तो क्या उसका रिफ्लेक्शन, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें आवाम पर बजट में नज़र आएगा, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन शिराजी साहब, आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और उसके साथ हमायूं खान साहब वाया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों हज़रात का बेहद शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तमाम लोग ही सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि बड़ा अहम किरदार है मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का, इसमें ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं है, तो उसके लिए एक तो ये है कि सिग्निफिकेंस के हवाले से मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें मज़ीद बताइएगा, और दूसरा इसके लिए जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है वो इकदाम क्या है। यकीनन नाहिद, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं मईशत की बहाली और कौमी तरक्की में उनका रोल जो है किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत कलीदी रोल उनका हमेशा रहा है और किरदार अदा कर रहे हैं। और ये देखिएगा कि पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला का बेशतर हिस्सा है जी, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र के ज़रिए हमें मौसूल होता है। तकरीबन 30 बिलियन डॉलर हर साल जो है हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए हमें यहाँ पर ज़र मुबादला की सूरत में मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन ये तादाद बन रही है 1 करोड़ 10 लाख, और उसमें ज़्यादातर जो हैं वो सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और दूसरी खलीजी रियासतों में मुकीम हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, अमेरिका है, मशरक़ बईद के, तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन मुल्कों की तरक्की में उनका किरदार नुमाया है, और यही वजह है कि उन मुल्कों की क़्यादत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस किरदार को हमेशा मोतरफ रही है, हमेशा सराहती भी रही है। और पाकिस्तान में हालिया जो इकदाम हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हैं, ख़ास सरमायाकारी के मामले में हो, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के मामलात हों, या पाकिस्तान में टैक्सों की डिजिटलाइजेशन के मामलात हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है जो सहूलत देने की जो भी कोशिश हुई है उसके नतीजे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है, और यही वजह है कि उनकी उनके रुझानात और अब वो रागिब हो रहे हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए उनको, जैसा कि आपने जिक्र किया है, कि RDA रोशन डिजिटल अकाउंट्स मुतारिफ़ करवाया गया है, उनको शोबे बताए गए हैं कि किन शोबों में महफूज सरमायाकारी के इम्कान ज़्यादा हैं, और आप घर बैठे ये सरमायाकारी कर सकते हैं। आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी ये सरमायाकारी कर सकते हैं। SIFC ने बहुत से दरवाज़े खोले हैं, बहुत से उन्होंने शोबे जो हैं ओपन किए हैं, ख़ास तौर पर 5 बड़े शोबे जो हैं उन्होंने ओपन किए हैं, और उसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरकीब दी जा रही है। अब देखें, दूसरा मसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो है पाकिस्तानी पासपोर्ट की उनको हसूल, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी को
कब्जा माफिया से बचाना, ये अभी गए हैं इंटीरियर मिनिस्टर बरतानिया के दौरे जी, बिल्कुल उसमें ये बड़ा डिस्कस हुआ है और उसमें उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया है कल ही कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए या पासपोर्ट की तजदीद के लिए अप्लाई करते हैं बैरून मुल्क, उन्हें 7 रोज़ के अंदर ये पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, कदम है बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर जो बैकलॉग है वो लाखों की तादाद में पासपोर्ट का, लेकिन उनके लिए स्पेशल काउंटर जो है बनाए गए हैं यहाँ पर भी और उधर भी बाहर भी। ठीक है। और इसी तरह अब जो ओवरसीज़ मिनिस्टर हैं चौधरी सालिक हुसैन, वो भी गए हैं बाहर और वो खुद भी मिल रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के डेलीगेशन से और उन्हें बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उनका अपना वतन है और वहाँ सरमायाकारी बहुत महफूज हो चुकी है और वहाँ सरमायाकारी की तरफ तवज्जो दें। और पाकिस्तान में देखें, उनका एक दूसरा बड़ा मसला जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो प्रॉपर्टी का इश्यूज है उनके, कि पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके बाद कब्ज़ा माफिया आ जाता है, कब्ज़ा कर लेते हैं तो एक तवील जो है एक लिटिगेशन में चले जाते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई है उसके तहत उनको ये बताया है, ये सब मुकम्मल काम डिजिटलाइजेशन पर हो रहा है कि फलां फलां इलाके में आप सरमायाकारी के ज़रिए प्लॉट ले सकते हैं, राइज बना सकते हैं और उसकी म्यूटेशन का भी डिजिटलाइजेशन का तरीक़ेकार बना दिया है और उसमें सालसी का भी एक तरीक़ेकार बना, ये तमाम जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को महफूज बनाने के लिए वो अलग से ओवरसीज़ मिनिस्ट्रीज जो है पूरी तरह से फाल भी है। तो ये वो तमाम इकदाम हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक एतमाद मिला है और इस एतमाद की बदौलत उनकी सरमायाकारी जो है बढ़ रही है और रेमिटेंसेस में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात की है रेमिटेंसेस की, तो ये बताया गया कि रवा माली साल के पहले 9 महीने के दौरान जो है वो उसमें 21 अरब डॉलर की रकम आई है और वैसे भी हर साल तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की रकम आती है पाकिस्तान में, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों की कफालत करते हैं, अपने घर वालों को रकम भेजते हैं, प्लस अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए उनको सही एक रास्ता दिखा दें, उनको इंश्योर करवा दें कि यहाँ पे तमाम आपकी जो रकम है वो सिक्योर होगी, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई ऐसे मसाइल नहीं होंगे, तो यकीनन फिर उसमें ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। एक तो इस पॉइंट पर ऑन सा मैं चाहूँगी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दीजिएगा, प्लस ये है कि चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त, कुछ चीज़ों की तरफ तो इशारा किया हाफिज़ साहब ने कि जाहिर है कब्ज़ा माफिया है वो बड़ा है, और फिर जैसे वन विंडो ऑपरेशन की हम बात करते हैं कि तमाम तर चीज़ें अगर आपको बहुत जल्दी सहूलत के साथ अगर काम हो जाए तो फिर आसानी होती है। देखिए नहीं, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें तो इस वक्त जो पाकिस्तान की बरामदात हैं उनसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं, और आप देखें 1 करोड़ 10 लाख हैं और दूसरी जानब तकरीबन 24 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ लोग हैं जिनकी बरामदात से उनके जो रेमिटेंसेज हैं वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा या मुल्क जो चल रहा है उस मशीनरी में जो पेट्रोल डाल रहे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, exactly, हाँ। कि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं लेकिन इन अदर वर्ड वो मुल्क को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क के अंदर डॉलर आ रहा है और उस वजह से यकीनी तौर पे उसके फवायद आ रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टर जो होता है ना बेसिकली तौर पे वो परिंदे की तरह होता है, वो वहाँ पे जाके लैंड करता है जहाँ पे पानी भी हो, उसे दाना भी मिलने की उम्मीद हो, माहौल उसे पता हो कि साजगार हो, वहाँ कोई शिकारी नहीं बैठा हुआ होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तो इसी तरह का इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर की कोशिश ये होती है कि वो पुरामन जगह पर जाए, वो जहाँ जाए उससे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, उससे आपने मुनाफा लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट आप इसलिए तो नहीं करते कि आपको नुकसान हो। तो हर इन्वेस्टर की पहली कोशिश होती है कि वो कारोबार ले, वो जगह ले जहां से उसको फायदा हो। तो यकीनी तौर पे जो मौजूदा हुकूमत इकदामात उठा रही है और खास करके वज़ीर-ए-आज़म साहब इस हवाले से बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, और उन्होंने एक होता है गुफ्तार का गाजी बनना और एक होता है कि किरदार करना, उसको एक्शनेबल चीजें करना, बजाय ट्वीट्स के, बजाय सिर्फ बयानात देने के, बजाय सोशल मीडिया के, तो वो बड़े एक्शनेबल काम कर रहे हैं। और जब ये काम हो रहे हैं जिस तरफ आबिद साहब इशारा कर रहे थे कि जाके जिस अंदाज में वहाँ पे वजीर दाखला साहब ने पासपोर्ट ऑफिस का विजिट किया, हाई कमीशन का विजिट किया, वो वाज़े अंदाज में ये नज़र आ रहा है कि वो किस अंदाज में अप्रोच किया है। अब जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा यही मसला है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं
कुछ अकेली इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ किसी पार्टी के साथ मिलके जॉइंट वेंचर जेवी कर लेते हैं, और वो जेवी में एक पार्टी जो होती है जो यहाँ पे मौजूद होती है वो अमीमी तौर पे उसको सारा काबू करने की कोशिश करते हैं। और फिर अदालत में एक बंदा बैठा है यूरोप में बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, वो किस तरह अदालत में पेश होगा? वो किसी को कहेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेगा, तो वो फिर लंबे मसाइल, और अदालतों में केसेस लंबे चलते हैं इसलिए भी अवॉइड करते हैं लोग। सबसे बड़ा मसला ये है, तो वो मामला काफी हद तक अब काम होना शुरू हुआ है। डायरेक्ट तौर पे समरी ट्रायल है उसमें, मामलात में सिविल केसेस के लिए टाइम फ्रेम दे दिया गया कितने अरसे में आपने वो सिविल केसेस खत्म करने हैं। और वजीर कानून से उस दिन हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस हवाले से हम ज्यादा फोकस है। और दूसरा जो मामला है कब्जा माफिया, कब्जा माफिया ये है कि वो यहाँ पे जमीन लेते हैं, वो यहाँ पे घर लेते हैं, वो यहाँ पे प्लाट लेते हैं, और जब वो वापस आते हैं 2-4 साल बाद दोबारा उस जगह का विजिट करते हैं तो पता चलता है जी वहाँ पे तो आप कब्जा हो चुका है, वो जगह तो आपकी वो जगह ही नहीं। तो यकीनी तौर पे हुकूमत उस हवाले से इकदाम उठा भी रही है। और अगर आपने ओवरसीज का एतमाद बहाल करना है तो ये दो चीजें, एक उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और दूसरा उनकी जो जमीन हो, जो उनका एसेट हो, जो उनकी जायदाद हो, उस पर कोई कब्जा ना करे। तो ये वो इकदाम है जिसकी वजह से एक बार ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आपने भी बैरून मुल्क का सफर किया, आगा साहब भी तशरीफ ले जाते हैं, आगा साहब मैं भी गया हूं, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है और बड़ी मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है, और यही मसला होता है, वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहां करें। वो जो आप 5 सेक्टर बड़े 5 सेक्टर खुल गए और SIFC के तहत वन विंडो जो ऑपरेशन है, यकीनी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी इस हवाले से ना सिर्फ ओब्लाइज फील कर रहे हैं बल्कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक तरफ दोस्त ममालिक की बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ओवरसीज की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट। आगा इकरार साहब, ओवरसीज पाकिस्तानीज का एतमाद बहाल करने के लिए इस वक्त जो इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, RDA के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, फिर उनके सारे फाइनेंसिस जो हैं उस उन चीज़ों को भी सिक्योर करने की बात हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि SIFC के अंडर जो सारी चीज़ें उस अम्ब्रेला के तहत हो रही हैं उससे काफ़ी एतमाद साजी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, इस पर बड़ी अच्छी हाफिज़ साहब ने डिटेल बात बताई। तो मैं प्रोग्राम में आने से पहले मेरी बात हो रही थी जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं UAE में, फैसल तिरमिज़ी साहब, इसी सिलसिले मैंने उनके, क्योंकि UAE सब वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमें रेमिटेंसेज आती हैं। सो उन्होंने जो बात की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि जब से ये RDA आया है ना, उससे एक तो आसानी भी हुई है लोगों की, और सेकेंड एतमाद बढ़ा है। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है कि उसके वालदैन किसी हुंडिया हवाला के दफ्तर में जाएं और वहाँ से पैसे जाकर अपना रिसीव करें, क्योंकि यूजुअली जैसे कि हमारे दोनों दोस्तों ने कहा है कि अपने वो अपनी जो फैमिलीज हैं पाकिस्तान में उनको फीड कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर उनका अकाउंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और बगैर किसी हिचके आ रहे हैं, ये नहीं है कि जी वो सैटरडे संडे के बीच में बैंक की छुट्टी आ गई है तो जी मंडे को ट्रांसफ़र होगा, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि UAE के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि कम से कम आप 30%+ इंक्रीज हुई है लोगों की रेमिटेंस डायरेक्ट बैंकिंग की तरफ जाने की। तो जब भी गवर्नमेंट इस किस्म के इनिशिएटिव लेती है लोगों में इत्माद पैदा होता है। ठीक है, एक बात जो अभी कही है शिराजी साहब ने वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे 1988 में जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तो मुझे बदकिस्मती से पहला जो केसेस आया ना मेरे सामने दोस्तों से कि क्या हो रहा है एज ए क्राइम रिपोर्टर, वो यही था कब्जा के लोग, पता चला कि जी घर था उनका पीछे, किराए पे देकर गए थे तो वापस पता चला कि जी किरायादार ने तो कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया ही नहीं करा सके, उम्रें गुजर गई, फौत हो गए, पाकिस्तान में रहते हुए लोग नहीं करवा सकते, और जो मुल्क बाहर जाए किसने करवा तो भूल जाए ना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो रियल एस्टेट में तो आप कोई भी इन्वेस्ट करने से डरते हैं। सेकेंडली, जो हमारी एक दो अच्छी कंपनीज हैं उनके अलावा आप रियल एस्टेट में अगर किसी और अपना उसमें एक सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि एक जो फाइल है वो 10-10 जगह बिक चुकी हुई है। लेकिन एक छोटे से मुझे गिला उनसे भी है कि लाइक इंडिया और लाइक बांग्लादेश, हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं ना, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने भी बेसिकली कैश फ्लो या इंस्टेंट जो अपना आप कह सकते हैं कि मनी मेकिंग में, जो कि डेफिनेटली रियल एस्टेट है, उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि अगर आप ये माइंडसेट क्यों नजर आ रहा है, क्या वजह है, क्यों ये देखिए ये एक उसमें मैं ये कहूंगा कि शायद उनके पास पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी, लेकिन फिर वही मैं कहूंगा कि अगर मैं और आप या बाकी दोस्त म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते थे, उनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा होता है। वो बेसिकली हुआ ये कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल में इंडस्ट्री पैदा क्यों नहीं हुई, क्योंकि सबसे आसान इंडस्ट्री है रियल एस्टेट। आप दो प्लॉट लें,
वो आपको 300 times इंक्रीज दे के आपको पेमेंट वापस करते हैं, तो फिर आप इंडस्ट्री क्यों लगाएं या आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्यों जाएं या उसमें इन्वेस्ट क्यों करें। म्यूचुअल फंड्स में भी तो यही है ना कि वो अल्टीमेटली वो इंडस्ट्री में होता है। आपको याद होगा कि हमारे ज़माने में डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स बड़े पॉपुलर होते थे, क्योंकि हमें पता एक तो सिक्योरिटी तो हमारे सारे फंड्स की है, ये कोई नहीं सब की है। लेकिन आहिस्ता 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 आपने देखा कि लोगों ने वो इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। अब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स बेसिकली एक देखा जाए तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में थी, फिर भाई तो इंडस्ट्री आ गई ना। अच्छा, तो ये चीजें जो मैं ये चाहती हूँ आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर जो इस वक्त हुकूमत इकदाम कर रही है मुख्तसर अंदरा जो सालिक साहब ने गुफ्तगू की, बल्कि मैं आपसे ये आगाज़ कर लेती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि चूंकि बहुत अहम है तो ओवरसीज पाकिस्तानी, तो इनके मसाइल के लिए हम भरपूर इकदाम कर रहे हैं, बहुत जल्द बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनका डाटा जो है उसको जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा ना खासा कोई मसला हो जाता है, ये कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने लोग आपके बाहर हैं और इसको डिजिटलाइज करना, इसको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। और फिर उनकी जो ट्रांसफ़र हम जायदाद की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम बहुत इस वक्त मेहनत से काम कर रहे हैं और उनको हम ये रागिब कर रहे हैं कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और इसके लिए ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड जो है ये सर्विस शुरू की जा रही है, ये इसमें कितना फ़ायदा देखिए जी है। बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स हैं, और आप ये देखें कि एक मिनिस्टर का फेडरल मिनिस्टर का अपने तई जो है वो जाके आप ओवरसीज को पाकिस्तानी को मिलना और उनको अट्रैक्ट करना, ये भी आप वी मस्ट अप्रिशिएट। एक चीज़ आप जेहन में रखिए कि ओवरसीज फाउंडेशन जब बनाई गई थी ना OPF, उसका यही काम था एक्चुअली, उसका काम डॉक्यूमेंटेशन था, उसका काम कॉन्टैक्ट था, उनका उसका उसका काम का डेटाबेस था। लेकिन ये ओवरसीज फाउंडेशन अगर मैं गलत नहीं हूँ बैठे हुए हाफिज साहब, ये तकरीबन 1976 के ज़माने में बनाई गई थी, लेकिन आज तक हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आए हैं। अब OPF एक खास ह्यूज बजट लेती है स्टेट का, जिसमें मैं और आप इन्वेस्ट करते हैं थ्रू आवर टैक्सेस, हमें इस सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर OPF उस तरह काम नहीं कर पाई पिछले 50 साल में, मोर देन 50 इयर्स, तो फिर हमें एक नए सिस्टम की तरफ जाना है जहां पे आपके और मेरे पास एक्सेस हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं एज ए जर्नलिस्ट या ये एज ए एनालिस्ट या जर्नलिस्ट काम करना चाहे, हमें तो पता ही नहीं कि पूरे पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी टोटल है कितना, रजिस्ट्रेशन कितनी है, मेल कितना, फीमेल कितना, उनके बच्चे कितने हैं, उनके बच्चे को पास को, हमारे एक जमाना था स्कूलिंग्स, यानी कि पूरे पाकिस्तान के जो अपना OPF थे उन्होंने भाई स्कूल्स खोले थे ओवरसीज पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही हां, वो जितने खुले थे मेरे ख्याल में 8-10-15 उतने ही हैं, बल्कि 8 भी नहीं, अब वो कम होते जा रहे हैं बढ़ने की बजाय। ठीक है, अच्छा, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हुमायूं खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं वाया स्काइप। हुमायूं खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके लिए चूंकि बहुत अहमियत है उनकी पाकिस्तान की मईशत में, और जो वहाँ से रेमिटेंस आ रहा है बहुत बड़ी उसकी तादाद है, $30 बिलियन से ज़ायद का रेमिटेंस आ रहा है, तो हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे इकदाम किए जाएँ ताकि उनको मज़ीद सहूलत फराहम की जाए और इन्वेस्टमेंट की तरफ उनको ख़ास तौर पर राग़िब किया जाए पाकिस्तान में। मैं ये चाहूँगी कि इसी पर आप अपना पॉइंट पहले दे दीजिएगा कि जो इस वक्त हुकूमत इकदाम कर रही है, आप ये समझते हैं कि इससे हमें फ़ायदा होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके मसाइल हल होंगे इस पर। थैंक यू नाहिद, मैं सारे दोस्त जो इससे पहले बोल चुके हैं हाफिज साहब, शराइज साहब और आगा साहब, एग्री करता हूं, बहुत सारे मसाइल की निशानदेही उन्होंने की, लेकिन ये देखा जाए इस वक्त दुनिया के जो 4 या 5 बड़े ममालिक हैं जहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज अपने ममालिक में होती है, उसमें पाकिस्तान 4th या 5वें नंबर पर आता है, इंडिया, चाइना, फिलीपींस और उसके बाद पाकिस्तान, फिर मिस्र और शायद फिर बांग्लादेश। हुआ ये है कि पिछले चंद सालों से ये जो फिगर है जिसका हाफिज साहब ने भी जिक्र किया, ये तकरीबन 28, 29, 30, 31 इसके गिर्द ऊपर कर रही थी, और इसके अंदर जो बेहतरी के चांसेस थे वो थोड़े से कम नजर आ रहे थे। जो अब जिन इकदाम का आपने जिक्र किया और सारे साथियों ने इससे पहले किया, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये चाहती है कि वो जो रेमिटेंस 30 बिलियन के करीब है उसको इंक्रीज किया जाए। वो कैसे किया जाए, उसकी एक तो सबसे बड़ा फायदा हमारे पास या जो इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है वो ये है कि पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूथ बल जो है, साउथ एशिया की मैं बात करूँ, 63% आपकी, और आपकी जो मेडन एज है वो तकरीबन 18 से 22 साल के दरमियान है, तो इट्स अ ह्यूज यूथ जिसका पोटेंशियल कितना बड़ा है। आपने मिडल ईस्ट का जिक्र किया जहां से तकरीबन हमारी आधी रेमिटेंस आती है, वहां पे जो हमारे लोग जाते हैं वो या तो सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, उसके बावजूद वहां से आपको जो
15 से 20 बिलियन के करीब जो है, या 15 16 18 बिलियन के करीब सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, दुबई, जीसीसी के ममालिक हैं। अब हमारा जो काम है और जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो इकदाम लेने शुरू कर दिए, पर्टिकुलरली ओवरसीज पाकिस्तानीज ने और उसके अलावा हमारी जो और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, वो ये है कि अपनी इस यूथ को स्किल्ड किया जाए। दुनिया में अब बहुत बड़ी, यूरोप के अंदर एजिंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस वक्त चल रहा है और वहाँ उनकी आबादी ऐसी है जिसमें यंगस्टर की तादाद गिर रही है, तो वर्किंग या लेबर जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे इस वक्त लैंग्वेज का भी मसला अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का चौथा बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क है। ये कितना बड़ा एसेट है कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते वक्त हमारा ये जो 30 बिलियन का जो फिगर है जो पिछले चंद सालों में है, इसको हम 60 बिलियन तक लेके जा सकते हैं। एक दूसरा, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जगहों पर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत सारे इदारे बहुत सारी जगहों पर कर रहे हैं। हमारी जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है, अभी आगा साहब ने जिक्र किया, फेडरल मिनिस्टर जो है साहब, उसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर जिस तरह उन्होंने लंदन जाके जो है मीटिंग की और बाकी मुल्कों के अंदर भी उनके हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके मुख्तलिफ जो विजिट्स हैं पिछले, जिसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट यही रहा कि हम अपनी यूथ को किस तरह स्किल्ड करके इन ममालिक में जहाँ की आबादी जो है कम हो रही है, और फिर दूसरा अगर आप जीसीसी ममालिक जहाँ से हमें इस वक्त इतनी बड़ी लेबर आ रही है, वहाँ के 4 या 5 मुल्कों के अगर आप विजन देखें, विजन 2030 सऊदी अरेबिया का, विजन 2040 जो है कतर का, विजन 2035 जो है यूएई का, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट होने जा रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। हाफिज साहब ने शुरू में 4 सेक्टर्स का जिक्र किया जो पाकिस्तान के अंदर आने वाली है, ये वो 4-5 सेक्टर्स हैं जहाँ पाकिस्तान से स्किल लेबर बाहर जाके इन रिमिटेंस के ऊपर इजाफा कर सकती है। तो इट्स अ 2-वे ट्रेड कि आपने अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है अट्रैक्ट करना है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और दूसरा अपनी यूथ को जो है स्किल्ड करके उन ममालिक में जहाँ पे अब लेबर की ये जो मैन पावर की कमी है उसको कैसे पूरा करना है। और हम मेरा ख्याल है बड़ी हद तक इस पोजीशन में है कि इस अमल को जो है बहुत जल्दी पूरा करने की तरफ जो है रवा दवा होंगे। ठीक है, अच्छा हाफिज साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम जिन इकदामात की बात कर रहे थे कि हुकूमत जो इकदामात कर रही है, जो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिससे फ़ायदा होगा, लेकिन जो पहले पॉलिसीज़ मौजूद हैं जैसे आगा साहब ने उसकी तरफ पॉइंट आउट किया है, क्या उसमें हमें उनको भी उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है, वहाँ से चीज़ों को देखा जाए कि कहाँ पे लूप होल्स रह जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी ये पॉलिसी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं एक कर तो ये है कि रिफॉर्मेशन का जो अमल है वो तो हमेशा जारी रहता है। अब चूँकि मामलात जो हैं वो सब डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से मैन पावर का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। अब गवर्नमेंट जो है वो जा रही है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिल्कुल। अब G2G वाला काम नहीं हो रहा। कल प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना, वो एक बड़ा डेलीगेशन जा रहा है आज रात, जिसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सरमायाकार हैं, उनकी वहाँ चाइना में मीटिंग है चाइनीज सरमायाकारों के साथ, उसमें पाकिस्तानी भी शरीक होंगे, वहाँ जो हमारे पाकिस्तानी रहते हैं चाइना में वो भी शरीक होंगे, और उसमें जो पाकिस्तान से जाने वाले हैं और चाइनीज सरमायाकार। इसी तरह सऊदी अरब गए थे, सऊदी अरब के साथ भी यही हुआ, सऊदी अरब से डेलीगेशन भी आया, यूएई के साथ भी 10 बिलियन डॉलर का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। अब गवर्नमेंट जो है वो कारोबार से अलग हो रही है और ये कारोबार पाकिस्तानियों के सुपुर्द हो रहा है, और इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत से मौके ओपन हो रही है। ठीक है, जब गवर्नमेंट बिजनेस से पीछे हट रही है और यहाँ पर 181 जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको निष्कारी की तरफ ले जा रहे हैं हम, और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहा है कि वो आएं और ये पाकिस्तानी अदारे संभालें, ठीक, जिसमें PIA भी शामिल है। तो ये वो अदारे हैं जो पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो ये काम कर सकते हैं, इसलिए कि उनके पास स्किल्ड भी है और उन्हें एक्सपीरियंस भी है और फिर वो मौके भी हैं बाहर रहते हुए भी, तो इसलिए वो बेहतर अंदाज से इन यहाँ सरमायाकारी कर सकेंगे। तो ये जो है गवर्नमेंट अगर बिजनेस से हट रही है तो इसके दरवाजे दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुल रहे हैं, तो ये बेहतर मौका होगा कि वो इन मौके से फ़ायदा उठाएँ। SIFC जो है उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर उनके बना दिए गए हैं, ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी मिशन हैं उसमें भी SIFC के जो सेंटर जो हैं वो काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर्स ने, और वो भी काम कर रहे हैं। ठीक, इस लिहाज से ये अभी आगा साहब जिक्र कर रहे थे UAE के एम्बेसडर का, तिरमजी साहब का, फैसल साहब से उनसे मेरी बात बात होती रहती है और वो बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों 2 कॉन्फ्रेंसिस की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और दोनों बड़ी कामयाब रहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो तलाश कर रहे हैं कि हमें बताएं कि हम कहाँ पर सरमायाकारी करें।
उनकी इसलिए कि एक माहौल बन गया है पाकिस्तान में सरमायाकारी का। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन इस तमाम मौके को चैनलाइज किया जाए और ये जो मौके पैदा हुए हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें, अपने नौजवानों को स्किल्ड मैन पावर में तब्दील करें ताकि वो बाहर जाएँ तो वो बाहर से फॉरन एक्सचेंज भी भेजें। ठीक है। अच्छा ऑन साहब, बजट में जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी, गवर्नमेंट बहुत संजीदा इस पर काम कर रही है और हमने यानी ये समझ लिया है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से इतनी आ रही है तो हमें भी फिर रिटर्न ऐसी चीज़ें या ऐसी यकीन दहानियाँ उनको इंश्योर कर ये कराना पड़ेगा कि आपका सरमाया यहाँ पर महफूज है। बजट जब आएगा तो हमें ऑब्वियसली उस पर मालूम हो जाएगा, लेकिन और क्या इकदाम किए जा सकते हैं? SIFC के तहत हम जो बात कर रहे हैं सो फार ये अप्रोच जो है कितनी कामयाब नज़र आ रही है आपको? देखिए, हुकूमत कुछ चीज़ें फेस वैल्यू पर करने की कोशिश कर रही है और जब ओवरसीज़ खास करके जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं उनको ये फील होगा कि विल हकूमत की भी है और विल उसके साथ साथ हकूमत ब्यूरोक्रेसी में भी मुंतकिल कर रही है, तो यकीनी तौर पे वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी PWD वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें उन्होंने उसको ख़त्म करने का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया। ये पाकिस्तान का वो इदारा है जिसमें साल साल से करप्शन के बहुत बड़े स्कैंडल सामने आ रहे थे और वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया था, एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि इस इदारे को हम ख़त्म कर रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो जो फेस वैल्यू पर जाएगी, जो मैसेज जाएगा कि अब इस तरह नहीं होगा, अब एक ततहीर का सिस्टम शुरू हो गया है, अब अगर कोई काम करेगा तो वो ही चलेगा, अगर कोई सरकारी इदारा भी काम नहीं करेगा तो इस अंदाज में नहीं चल सकेगा। तो इसमें दो दिन पहले बकायदा तौर पे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने वो शेयर किया था लेटर हमारे साथ जिसमें वजीर आजम ने इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट मांगी थी और आज जो इजलास हुआ है आपसे थोड़ी देर पहले उसमें बकायदा तौर पर PWD को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये वो पैगाम है जो ना सिर्फ वो मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों को जा रहा है बल्कि ओवरसीज को भी जा रहा है कि अगर हुकूमत इस हद तक संजीदा है कि सरकारी इदारे वो जिनमें करप्शन है, जिनको जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो काम नहीं कर रहे, तो फिर भाई उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको खुदा हाफिज कहा जाएगा और फिर SIFC जैसे इदारों को आगे लाया जाएगा। अब जो आप कह रही हैं कि मजीद क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अभी त्रिमजी साहब की बात हो रही थी, मेरी रेगुलर बात होती है डॉक्टर फैसल जो बरतानिया में हमारे हाई कमिश्नर हैं, बड़े अप टू राइट मतलब शख्स हैं और दफ्तर खारजा के तर्जमान रह चुके हैं जी, बिल्कुल। उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो वो भी यही बात कह रहे थे कि हमारी ये कोशिश है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में, लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो बजाय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को यहाँ पे चलाने के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके भी जाएं और लोगों को अट्रैक्ट करें। अब देखिए, एक ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ है, अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो उसके 10-50 दोस्त हैं जिनको वो रागब कर सकता है कि आप पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करें, वो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखा सकता है और जो वो दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं, हाई कमीशन है, उनको तकरीबात जिस तरह दुबई का दुबई में हो रही है उसी अंदाज में तकरीबात करनी चाहिए और बड़ी एक बहुत बड़ी पवेलियन है पाकिस्तान की बरतानिया में, वहाँ पे जिस अंदाज में हो रहा है उसी तरह USA में, उसी तरह दीगर ममालिक में और ख़ास करके यूरोप के जो ममालिक हैं, तो उस अंदाज में अगर चला जाएगा तो चीज़ें चैनलाइज होंगी। और एक बात बड़ी ज़रूरी है कि जब तक आप डिजिटल चीज़ें नहीं करेंगे, मैं अगर यूरोप में बैठा हुआ हूँ, मैं एक क्लिक पर अगर मेरे सामने तमाम चीज़ें आ जाती हैं तो मुझे बड़ा सिक्योर फील होगा। मैं कहूँगा कि तमाम चीजें बड़ी साफ शफाफ अंदाज में हो रही हैं, एक डाटा मौजूद है, डाटा मौजूद है। आपने देखा पंजाब में बकायदा तौर पे जो वजीर आला पंजाब है उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने बकायदा तौर पे एक सिटी बनाया है इस हवाले से, डिजिटल सिटी बनाया। तो मेरे ख्याल में ये जब चीजें आगे बढ़ेंगी, हुनरमंद लोगों के में इजाफा होगा, अनस्किल्ड लेबर खत्म होगी, हमारे हुनरमंद लोग जाएंगे, एक तो वो मुल्क के सफीर भी होंगे और उसके साथ साथ रिमिटेंसेस भी ज्यादा। ठीक है। अच्छा आगा साहब, ये जो हम UAE के हवाले से जो बात की, हाफिज साहब ने कहा, ऑन साहब ने भी बात की कि वहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, इससे पहले शायद आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले रोड शोज भी वहाँ पर करवाए गए थे ताकि इन्वेस्टर्स को रागिब किया जाए, उन्हें माइल किया जाए, तो इसी किस्म के इकदाम हमें मज़ीद करने की ज़रूरत है। बाकी ममालिक में भी ये डुएबल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये काम किया जा सकता है, इसका यकीनन फ़ायदा होगा हमें। बिल्कुल, अब बिल्कुल देखिए, इसमें दो बातें, एक तो विल ऑफ द गवर्नमेंट है और एक जिस तरह के अपना ऑन साहब ने इंडिकेट किया है द विल ऑफ द आप कह सकें हमारे डिप्लोमेट्स हैं। डिप्लोमेट देखिए, हर आदमी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की सबको होती है। Exactly. कुछ प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ इंतजार करते हैं कि देखी जाएगी।
वो जो एक लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि देखी जाएगी वाली जो अप्रोच है वो छोड़नी पड़ेगी, इस प्रोसेस को क्विक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए करना पड़ेगा कि विद इन इवन द फॉरेन ऑफिस भी बड़ी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बल्कि कुछ रिफॉर्म्स और सबको पता भी होंगे। उस रिफॉर्म्स में भाई जो बंदा पाकिस्तान के लिए काम करेगा उसी की आप कह सकते हैं कि प्रमोशन होनी है और उसी ने आगे जाना है। जो लेट बैक वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है कि अब जो नई अपना पॉलिसीज आ रही हैं, जो इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, उनमें उनके स्पेस बहुत कम है। एक बात मैं और कहूँगा, जो मेरे बहुत सारे डिप्लोमेट्स दोस्त कहते हैं कि और आपके प्रोग्राम की वसाद से वो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान ने जो हमारे लेबर है या हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं या जो हम लोग बाहर भेजना चाहते हैं, उसे एज ए इंडस्ट्री कभी डील नहीं किया हमने, उस उन्हें एज ए प्रोडक्ट कभी डील नहीं किया। जबकि बांग्लादेश और इंडिया ने उनको एज ए प्रोडक्ट डील किया, मीनिंग बाय उन्होंने अपने जवानों पे इन्वेस्ट किया और ये सोच के किया कि हम एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एक बच्चा जब बाहर जाएगा वो चार को और बुलाएगा और सेकेंडली वो पैसे भी भेजेगा। बिल्कुल, और यही वजह आप देखें कि पिछले 40 साल में जो स्पेस हमारे पास एक जमाने में होती थी मिडिल ईस्ट में, अब हमारे पास नहीं रही। हमें अपने अपने बच्चों को, अपने जवानों को, जैसे कि हमायूं साहब ने कहा कि जो हमारा बल्ज है, हमायूं साहब बता रहे थे 63%, आप उनके ऊपर एज ए इंडस्ट्री इन्वेस्ट करें ना, आप उनको स्किल वर्कर बनाएं, आप फिर ये देखिएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे 70s में एक बूम आया था कि पाकिस्तानी बाहर जाके रेमिटेंस भी भेज रहे थे और पाकिस्तानियों को भी बुला रहे थे, इंशाल्लाह फिर वही होगा। ठीक है, अच्छा हमायूं साहब की भी राय ले लेते हैं इसी के ऊपर कि क्या सजेशंस हैं हमायूं साहब आपकी तरफ से, मजीद इस प्रोसेस को कैसे तेज़ किया जा सकता है। विल नज़र आ रही है, गवर्नमेंट बहुत संजीदा है, हम ये चाहते हैं कि मजीद इसमें इजाफा हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को सहूलत भी फराहम करें, लेकिन आपकी तरफ से क्या सजेशंस हैं, मजीद कैसे ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है सारे प्रोसेस को। बिल्कुल, जैसा अभी आगा साहब ने कहा, यही इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ओवरसीज पाकिस्तानी है और आगा साहब ने फोकस किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, तो मेरा ख्याल है दुनिया में और जिन मुल्कों की आप आगा साहब ने एग्जांपल दी, वो दुनिया के इस वक्त प्राइम जो है रेमिटेंस अट्रैक्ट करने वाले ममालिक हैं, जिसमें इंडियंस एनएलआई कहलाते हैं, दुनिया की इस वक्त सबसे ज्यादा वो रेमिटेंस ले लें। हमारी साइड पे भी इसके ऊपर काम शुरू हो चुके हैं, अब डिफरेंट एरियाज हैं और डिफरेंट रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, ये जीसीसी के जो ममालिक हैं, वहाँ पे जो मोस्टली हमारी जो लेबर जा रही है वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड है, जो फिर भी बावजूद उसके कि वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड है एक बहुत बड़ा रेमिटेंस भेज रही है। तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो फोकस उनको स्किल्ड करने में या उनको जो है हाई परफॉर्मेंस स्किल जो है वो उस साइड पे करने में है, उससे हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपके साथ जिक्र किया कि जीसीसी के 7 से 8 जो 6 ममालिक हैं उन सब में इस वक्त उनके विजन है, जहां पे उन्होंने अगले 10 से 15 सालों में बहुत बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है और उसके लिए उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स बहुत सारे एरियाज में डेवलप हो चुकी है, पर्टिकुलरली पिछले 10 सालों में हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जिसमें चाइना पाकिस्तान का जो फेज 1 था, जिसमें हमारी लेबर बड़ी हद तक रही, जिसमें माइनिंग के अंदर उन्होंने काम किया, रोड के अंदर किया, हैवी जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर काम किया, तो उनकी मदद से हमें ऐसे स्किल्ड सेंटर्स बना के जो अपनी नई जो यूथ है उसको स्किल्ड करके इन ममालिक में भेजने हैं। दूसरा रीजन है हमारा यूरोप का, यूके का या जो अमेरिका का है, वहाँ पे हमारी वाइट कॉलर जॉब्स वाले बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं, हमने उसमें इजाफा करके उनको प्रोवाइड करनी है फैसिलिटीज के वो पाकिस्तान में ज्यादा कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकें। उसके ऊपर भी SIFC है, उसके ऊपर अब CPEC का फेज 2 है, जिसमें बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे आना है, तो वो जो है मिलके इसमें जो एक बहुत बड़ा आंसर है वो है इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का। गवर्नमेंट ने इसमें काम शुरू कर दिया और सारे दोस्तों ने बताया कि डिजिटाइजेशन के जो मुख्तलिफ इकदाम हैं, मेरा ख्याल है उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से, हमारी अभी आगा साहब ने भी, इशराज साहब ने बताया, हमारे कमर्शियल अटैचेस हैं हर एम्बेसी में, उनको जो है और प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो मौजूद है उनके साथ मिलकर, और फिर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है पाकिस्तान की साइड से वहां पे जाना और वहां से फैसिलिटेशन का करना, जिसमें वीजा फैसिलिटेशन है, जिसमें ट्रांसफर फैसिलिटेशन है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का हसूल या डॉक्यूमेंटेशन की रिन्यूअल है उनकी फैसिलिटेशन है, उसको हमने ऑनलाइन और डिजिटाइज करना है और वो दिन नहीं लगाना है। अभी आगा साहब ने भी जिक्र किया और किसी और ने भी कहा कि हमारा भी पिछले बड़े अरसे से पासपोर्ट का जो रिन्यूअल था उसको एक बहुत बड़ा बैकलॉग बना, उसको अगर हम जल्दी इंप्रूव करें, ई पासपोर्ट्स बनाने में अपने लोगों की जो है हेल्प करें, मेरा ख्याल है कि मौके बड़े हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो सिस्टम ले डाउन कर दी है, अब आपने प्रोएक्टिव होके चैनलाइज करके इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो पास करनी है ताकि ये लोग इन्वेस्ट करने की तरफ, पाकिस्तान की तरफ बढ़े। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा।
बहरहाल गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है, हमें मज़ीद भी इसमें तेज़ी नज़र आएगी। बजट जब नज़र आएगा तो उसमें प्रॉपर हमें ये तमाम तर चीज़ें नज़र आएंगी कि किस तरह से इसमें इसको शामिल किया गया है। अभी एक और बहुत अहम मौजू है जिसके हवाले से हमने बात करनी है, गज़ा के हवाले से बात करेंगे। और ख़बर ये है, बहुत सारी हम खबरें ऐसे सुनते रहते हैं, बहुत अरसे से सुन रहे हैं, और ये ख्वाहिश है कि जल्दी वहाँ पर अमन हो जाए। एक अमन मंसूबा जो है वो दिया है अमरीकी सदर जो बाइडन ने, और इसके तीन निकात है, इसमें तीन तजावीज़ जो हैं वो दी गई हैं। तीन मराहल पर ये मंसूबा मुश्तमिल है। पहले मरहले में ये कहा गया कि 6 हफ्ते की जंग बंदी जो है वो की जाए, उसकी तजवीज़ दी गई है। और जो इसराइली फ़ौज है वो गज़ा की आबादी वाले जो इलाके हैं वहाँ से इनखला करेगी, और फिर आपस में जो इसराइली यरगमालियों का और सैकड़ों जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनका आपस में तबादला भी किया जाएगा। और इंसादी इमदाद लेकर जाने वाले जो 600 ट्रक है रोज़ाना की बुनियाद पर वो गज़ा में शामिल होंगे, यानी पहले से वो इमदाद जो है वो बढ़ जाएगी, उसमें इजाफा होगा। बहरहाल ये जो तीन निकाती इस वक्त हमें अमन मंसूबा नज़र आ रहा है, इसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। इसराइल इसको एक्सेप्ट कर चुका है, फ़लस्तीन की तरफ से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर भी हम बात करेंगे। क्या ये जो तीन निकाती अमन मंसूबा है, क्या ये वर्क करेगा, इससे वहाँ पर अमन कायम हो सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। एक ऐसा मसला है जिसमें 36,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जवान बुज़ुर्ग इसमें शामिल हैं। इस सुलगते हुए मसले के हवाले से इस वक्त हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हाफिज़ साहब, आप इस अमन मंसूबे को कैसे देख रहे हैं? ये जो तीन निकाती हमें इसमें नज़र आ रहा है, ये एजेंडा एक ऐसे माहौल में आया है जबकि आलमी अदालत इंसाफ जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फ़ैसला दे चुकी है, इसराइल को जारे करार दिया था, और उसने इसराइल को नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार देकर एक मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर दिया था। उसके बाद जंग बंदी के लिए दूसरा जो अहम पेशरफ्त हुई वो हमें सिक्योरिटी काउंसिल में नज़र आती है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इससे पहले भी मीटिंग होती रही है लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, और वहाँ वीटो का हक इस्तेमाल किया जाता रहा सुपर पावर्स की तरफ से, जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो सका। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी हंगामी, उसमें ये डिस्कस हुआ, जबकि गज़ा के उस खैमा कैंपों पर बमबारी हुई जिसमें 45 बच्चे जो हैं वो ज़िंदा जल गए थे, और उन शहादतों पर सारी दुनिया और आलम इंसानियत जो है वो मातम कना थी। उसके बाद ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसके नतीजे में इसराइल पर एक आलमी दबाव बढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद ही ये तीसरा जो अमल हुआ वो अमेरिकी जो बाइडन की जानिब से ये एक पीस जो है उनकी एग्रीमेंट का एक उन्होंने प्रपोजल पेश की है। ये जैसा कि आपने कहा है कि तीन इसके मराहिल हैं कि पहले मरहले में 6 हफ्ते के लिए जंग बंद कर दी जाए, और दूसरे मरहले में इसराइली फ़ौजें वो इनखला करें, और तीसरे मरहले में कैदियों का तबादला होना चाहिए। लेकिन इसराइल जो है वो इसको कबूल करने के लिए अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, और वहाँ पे ना सिर्फ डिवीजन है, देखिए उनकी तरफ से जो कमेंट आया था पहला कि हमें ये तजवीज़ जो है वो कबूल नहीं लेकिन हम इस पर अमल करना चाहते हैं, ये उनका एक बादले नाखास्ता एक कमेंट था जिससे उनका एक पॉलिटिकल विल पता चलती थी कि इसराइल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि एक आलमी प्रेशर है और अमेरिका की जानिब से आया है, इसलिए कतई तौर पर वो इसको विड्रॉ भी नहीं कर सकता था, और यही वजह थी कि सिर्फ ये इसराइल का मामला नहीं है। देखिए, इसराइल और जो वहाँ पर फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग हो रही है उसमें कतर, अमेरिका और मिस्र वो सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी जंग बंदी की कोशिशें की हैं और 3 हफ्ते 2 महीने के लिए जंग बंदी भी होती रही है लेकिन वो कारामद नहीं हुई क्योंकि इसराइल की जानिब से हमेशा जारियत रही है। तो अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें ये नज़र आ रहा है कि हमें देखें इस जंग को बिलाखिर ख़त्म होना है, बिल्कुल इसमें तो कोई दो जंग जो है वो कोई मसले का हल नहीं रह नहीं सकती, और हर जंग जो है उसको मकालमे पे ख़त्म होना है। इसका हल वाहिद यही है कि इसराइल जो है वो इस मौके से फ़ायदा उठाए और वहाँ जंग बंदी करे, अगर जंग बंदी नहीं करेगा तो आलमी बिरादरी जंग बंदी पर मजबूर करेगी। इस वक्त प्रेशर बहुत बढ़ा है क्योंकि बच्चों का मामला है, मजबूरी तो किए जा रहा है कि जिसकी वजह से आप एक ऐसा अमन मंसूबा देने पर मजबूर हो गए हैं। अब पूरी दुनिया इस पे कौन सा आवाज़ उठा रही है, हर तरफ से, हर जगह वेस्ट में बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, हम मुसलमान तो ऑब्वियसली इसके हवाले से बात करें, लेकिन अब खुद मजबूरी बन गई है कि लोग जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत हो गया, अब ख़त्म करें इस जंग को।
अच्छा नहीं, क्या ये हैरान कुन बात नहीं है कि वो जो जंग बंदी की कोई भी करारदाद आती थी उसको वेटो कर देते थे, वो वीटो वाले ही अब जो हैं वो जंग बंदी की एक तीन नुकाती एजेंडा दे रहे हैं सामने लेके आ रहे हैं, इस पे अमल किया जाए, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे वही आबा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आलमी प्रेशर है, दुनिया का प्रेशर है। अब आप देखें नॉर्वे जैसा मुल्क जो है वो इस मामले में एक स्टैंड लेके खड़ा हुआ है, साउथ अफ्रीका जो है उसने आईसीजे में गया है, वहां से फैसला आया है, उसके बाद अब यूएस के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी आप देख लें, बाकी 40 यूनिवर्सिटियां जहां पे एहतजाज हो रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखी होगी जिसमें लोग जो बाइडन जब वो एक चर्च से निकले तो किस तरह के जो है वो लफ्ज कह रहे थे और कैसी आवाजें कस रहे थे। तो मजमूरी तौर पे यूएस को भी पता चल गया है कि अब हमें किसी ना किसी तरह इसको कंक्लूड करना है, लेकिन जितनी जल्दी कंक्लूड करें इतना बेहतर होगा, क्योंकि अब वो जो एक नेचुरल अलाइज समझता था ना यूएस यूरोप को अपना, वो आहिस्ता आहिस्ता यूएस से दूर होते जा रहे हैं इस मामले पर, और वो हुकूमतें नहीं दूर हो रही, वो उनकी आवाम जो है उसका बेसिकली प्रेशर है, यूथ का प्रेशर है और उन स्टूडेंट्स का प्रेशर है जो यूनिवर्सिटियों में इत्तेजाज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब ये चीज आगे बढ़ेगी यकीनी तौर पे फलस्तीन की जानब से भी इस पे अपना मौकफ आएगा, कोई इस तरह तो नहीं है कि जो बाइडन ने कह दिया तो वो ही होगा उसी अंदाज में होगा। तो मुसलमान ममालिक जिनका आबा साहब कह रहे थे वो ऑन बोर्ड है, वो भी अपने इनपुट देंगे, और उसके साथ साथ अगर आप सऊदी अरब को देखें या यूएई को देखें, उनका जो अभी स्टांस आया है टुवर्ड इसराइल, उन्होंने कहा है कि जी इस इन चीजों में तो फिर बातचीत का कोई ताल्लुक नहीं बनता, एक तरफ आप बच्चे शहीद कर रहे हैं ख्वातीन और आप जो है वो कैंप्स पे बमबारी कर रहे हैं, तो इसराइल के अंदर डिवीजन है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे नेतन्याहू को बहुत सारे मसाइल के सामने है, और वो शायद उनसे बचने के लिए भी इसको एक अपने आप ये कहें कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था जो उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। तो अब यूएस जो है वो प्रेशर में है, तो उसकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह उस प्रेशर को थोड़ा कम किया जाए, इसीलिए ये मंसूबा साहब। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकली भी इस पर अमल दरामद हो पाएगा आगा इकरार साहब, या वो जो एक प्रेशर की फिजा बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए, उसे पीछे छुड़ाने के लिए इस किस्म के इकदाम सिर्फ प्रपोज किए जा रहे हैं या बाकी अमल दरामद भी होगा? मेरे ख्याल में ये डूएबल है। डूएबल तो है, लेकिन अब इसमें देखें ना, उसकी वजह ये आज के जून शुरू हो गया, 6 महीने की बात कर रहे हैं ना ये, तो आप जरा जून में 6 महीने डाल दें, दिसंबर तक चीजों को ट्रैक करना है, नवंबर में इलेक्शन, अमेरिका के नवंबर में अब इलेक्शन है, यूके के दोनों के इलेक्शंस नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इलेक्शन तक उन्होंने काम को जरा काम डाउन कर दिया है। ठीक है, इलेक्शन होने दें, उसके बाद फिर देख लेंगे। क्योंकि इब्ने इंशा की एक नज़म मुझे याद आती है, वैसे वो लिखी फलस्तीन के लिए तो नहीं गई थी, लिखी तो अफ्रीका के लिए गई थी, और आज से 60 साल पहले 50 साल पहले लिखी गई थी, फ़र्क कोई नहीं आया है, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा रोता रोता सा, ये बच्चा तेरा बच्चा है, ये बच्चा मेरा बच्चा है, बच्चे यहाँ पे जलकर खाकस्तर हो गए। तो तब तो जब भी जैसे कि ओन साहब ने कहा है कि जब भी कोई अगर आई है अपना, यानी कि कोशिश की गई है यूएनसीए में, तो वीटो कर दिया गया। अब इलेक्शन आ गए हैं, यूके को भी अपना अर्ली इलेक्शन अनाउंस करने पड़ गए हैं, इलेक्शन उसके भी आ गए हैं, इलेक्शन उसके भी आ गए हैं, इलेक्शन तक 6 महीने का उन्होंने टाइम मांगा, 6 महीने के बाद देखेंगे क्या होता है। हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमायूं साहब आपको क्या लग रहा है, इस पर वाकई अमल दरामद होगा कोई, इसका हमें नजर आएगा इस अप्रोच के तहत कुछ फायदा होने जा रहा है फलस्तीन में, अमन कायम हो पाएगा? जी देखें, बाकी दोस्तों ने जिस तरह कहा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना डिले के बाद जो है ना एक प्रपोजल आया यूएस की तरफ से, लेकिन नंदलेस जिस किस्म की जो है इंसानियत की जो है वो हलाकत हुई है वहां पे, उसके बाद अब मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर जो प्रेशर है वो इसराइल के अगेंस्ट बढ़ना शुरू हो गया है, जिसमें लोगों के वहां की हुकूमतें तो नहीं मैं वेस्ट की अगर सारी कहूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है ना लोग और फिर वहां की हुकूमतों ने भी इस किस्म के जो है बयानात लिए। यूरोप के अंदर आप आयरलैंड की एग्जाम्पल ले लें, नॉर्वे की एग्जाम्पल ले लें, स्पेन की ले लें, साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल हम अफ्रीका के अंदर लेते हैं, दुनिया के बहुत बड़े जो मुजाहरे हैं जिस तरह अभी ओन साहब ने कहा, अमेरिका की बेतहाशा बड़ी जो टॉप लेवल की आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज थी वहां पे हुए, यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर, तो मेरा ख्याल है इन सारी चीजों ने इस चीज की तरफ मजबूर किया। और फिर जो आगा साहब ने अभी बात की, 8 नवंबर को जो है यूएस का इलेक्शन है, तो एक वो बहुत बड़ा पब्लिक सिंपथी भी गेन करनी है कि हमने जो ज्यादतियां जो होने दी वो तो होने दी, अब जो है अब हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बन के जो है एक प्रपोजल दे रहे हैं, प्रपोजल जंग खत्म करने के लिए, मेरा ख्याल है किसी किस्म का भी कोई प्रपोजल अगर वो सामने आ जाए और दोनों साइडों का उसके
पर इत्तेफाक हो जाए और मुख्तलिफ ममालिक इसके ऊपर मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, जंग को आखिर ख़त्म होना है और जो हालात हैं इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हाफिज़ साहिर खलील साहब, और शिराजी साहब, आगा इकरार हारून साहब और हमायूं खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।